हम लोग किसी को नहीं कहते, हमें शर्म आती है। हम बलोची लोग हैं, हम ऐसे किसी से नहीं मांगते, हम अपनी करते हैं, अपनी खाते हैं। ये इधर फ्लड हुआ है, पानी है, पानी की वजह से जो चौदीवारी है वो गिर गई है, एक कमरा है और जो किचन बाथ लैट्रिन वगैरह हैं वो भी गिर गए हैं। मुझे आना जाना पड़ता है रोज़ाना, पहले तो कारोबार भी था, सब चीज़ें थी, अभी सैलाब आने की वजह से सब काम रुक गया है। पहले तो जो काम चल रहा था ना मेरा शोरूम वाला, उधर माशाल्लाह मुझे 1.5 लाख रुपए की आमदनी आ जाती थी, एक महीने में मैं कमा देता था। वो तो चल रहा था बड़ी खुशी से और बड़ी आसानी से, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं थी। सब लोगों को हमने जो मोटरसाइकिल बैकें दी हुई थी ना, वो ही उनके पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्या उनके रकबे बहुत डूब गया ना, वो तो मिलने की उम्मीद भी नहीं है। बस अल्लाह ताला मालिक है, वो देने वाला है। तो दो बीवियों के वो आए थे ना जो 25,000 पर निकले थे ना, 50,000-40,000 वो मिल गया है हमें, उसके पैसे हैं अभी तक, वो काम चल रहा है। पहले तो ऐसे करता था, मेरे पास मवेशी थे, मवेशी जब मैं फरोख्त करता तो फिर मैं दूध लेता था बाज़ार से, दूध लेके मेरे विलेज पे जाके तुम उनसे पूछो, रोज़ाना मैं लस्सी बना के लोगों को कहता था फी सबीलिल्लाह ले जाओ मुझसे, टेंशन नहीं है, रोज़ाना की बनाता था अपने जेब से। ये कहता था कि अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, मैं गरीबों को दे दूँ, जो चीज़ है मैं दे देता हूँ। सेहत माशाल्लाह पहले तो ठीक थी, लेकिन सैलाब की वजह से जो है ना मच्छर वगैरह ज़्यादा हैं, गर्मी है, घर से जब आदमी निकलता है तो ज़रूर थोड़ा टेंशन तो होती है ना, इस वजह से थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम है, टेंशन है, और कोई चीज़ नहीं है, माशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। घर भी बन जाएंगे, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। मुश्किल अगर आंदी है इंसान नु दोते क्यों नहीं आंदी, मजबूर है होने ना, अगर खत्म थी वैसे ना, आखिर अल्लाह ताला आखिर दिता जो है आखिर खत्म करेसी है।